हाय, तो देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पाइथन डेटा। देखिए ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं हिंदी में ताकि जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है वो भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। तो अगर आपको लगता है कि ये एफर्ट जो है अप्रिशिएट करने लायक है तो प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के सारे वीडियोस फ्री हैं एंड आने वाले सारे वीडियोस भी फ्री ही रहेंगे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब देखिए हम बात कर रहे हैं टाइप्स की। बात अगर आप करते हैं सी की या जावा की तो टाइप्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट, बट पाइथन जो है उतनी स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है। एक होता है इंट, जो कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल 2, राइट? तो 3, 100, 10,000, ये सारे इंटीजर्स हैं। फ्लोट जो टाइप है वो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को, लाइक 3.29, बेसिकली जहां पे डॉट लग जाएगा 2.0, 100.01 एंड सो ऑन। बूल करता है बूलियन वैल्यूज को, जो कि दो ही वैल्यू लेंगी, या तो ट्रू या फॉल्स। नन टाइप एक स्पेशल टाइप है पाइथन में जिसकी वैल्यू जो है नन होती है। एंड हम ये चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका टाइप क्या है। आप टाइप्स को जो है कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक से दूसरे में। फॉर एग्जांपल ये जो है, देखिए ये इसकी टाइप है इंट, बट जब आपने इसको फ्लोट में लिख दिया है तो इसकी टाइप अब जो है, जो ये आउटपुट देगा उसकी टाइप हो जाएगी फ्लोट। सो बेसिकली अब इसका आउटपुट होगा 3.0। सिमिलरली जब आप इंट 3.9 करेंगे तो इनसाइड जो चीज है ये है फ्लोट, इंट आपने उस पर लगा दिया, आपने उसकी टाइप कन्वर्जन कर दी इंट में, तो ये 3 हो जाएगा। इसके अंदर देखिए जो है वो है स्ट्रिंग, तो यहां पे देखिए आप एक टाइप और जोड़ सकते हैं स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल हाय डबल कोट्स में, तो ये एक स्ट्रिंग है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 3 में। अब ये सब चीजें देखिए एक बार अपन करके देखते हैं पाइथन नोटबुक में। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें लिखते हैं टाइप 3 एंड जब मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए बताएगा इंट। इसी टाइप को अगर मान लीजिए मैं 7.89 कर देता हूं, अब देखिए बताएगा फ्लोट, कि इसकी टाइप है स्ट्रिंग एंड सो ऑन नन टाइप। एंड लास्टली मान लीजिए अगर हम इसको कर देते हैं ट्रू तो इसकी टाइप ये बता देगा कि ये बूल यानी कि बूलियन है। टाइप कन्वर्जन भी करके देख लेते हैं। ये देखिए अगर हम करते हैं फ्लोट 3, तो अब देखिए आउटपुट जो है हमारा 3.0 हो गया है। उसी प्रकार अगर आप करते हैं इंट, इसमें देखिए आउटपुट आपने सिर्फ इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर दिया है, तो आपने सिर्फ इंटीजर पार्ट रख लिया है। अब मान लीजिए अगर हम करते हैं 3 प्लस हाई, तो आप एक बार सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए आपके पास यहां पे जवाब आता है कि टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस इंटीजर इंट एंड स्ट्रिंग। इसको मान लीजिए अगर हम चेंज करते हैं 2 में, तब भी देखिए सेम चीज है, क्योंकि ये जो 2 है ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, ये डबल कोट्स में है। आपने देखिए फिजिक्स में 11 12th में देखा होगा कि अगर आप करना चाह रहे हैं 2 लीटर प्लस 3 केजी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस डजंट मेक सेंस। आप लीटर में केजी कैसे ऐड कर रहे हैं टाइप से, राइट? तो सेम तरह की बात यहां पे है। मान लीजिए अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं हाई में 3,
तो इसका जो है कोई सेंस नहीं है। हाई में आप थ्री कैसे ऐड करेंगे या फिर थ्री में आप हाई कैसे ऐड करेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। अब देखिए, जो हमने जुपिटर नोटबुक में अभी जो प्रॉब्लम देखी थी उसको अगर हम वापस चेंज करते हैं, ये देखिए, अगर हम कोशिश करते हैं कि इस टू को जो है हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए, इसने बिल्कुल सही कर दिया आंसर, क्योंकि वो जो स्ट्रिंग थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, और अब आप इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड कर सकते हैं, तो आपके पास 5 पॉइंट, आपके पास जो है वैल्यू 5 आ गई है। देखिए, पाइथन में आप इंटीजर और फ्लोट को ऐड कर सकते हैं, तो अगर आप ये भी करते हैं तो आपके पास आंसर जो है 5.0। तो देखिए, हर एक चीज की जिसकी आप बात करेंगे, 3 हो, 3.1 हो, हाई हो, कुछ भी हो, राइट, उसका एक टाइप होना जरूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।